रमज़ान आएंगे रमज़ान आएंगे रमज़ान आएंगे, कब से इंतज़ार था। और रमज़ान खैर से गुजर गए और आज 7 खैरियत से ईद उल फितर भी अपने अख्ताम तक पहुँची। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ईद उल फितर का दिन कैसा गुजरा। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। सुबह हड़बड़ा के उठना और फटाफट से अपने कपड़े पहनना, कपड़े पहनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ लगाना। इमाम साहब की लंबी चौड़ी तकरीर सुनने के बाद नमाज वमाज से फारिग होकर दोबारा घर की तरफ आना, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन डिफरेंट क्या है हम आगे देखते हैं। भाई लोग, हमने नमाज वमाज पढ़ लिया अब, और अभी अभी हम लोग घर आए हैं और करेंगे थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि नींद बड़ी ज़बरदस्त दिन क्या। फिर थोड़ी सी नींद लेने के बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, और फिर जाएंगे बाहर मिलने मिलाने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से। स्टे ट्यून्ड। तो भाई लोग, हमने थोड़ी सी नींद भी ले ली है, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है, और एक दो रिलेटिव भी हमसे मिल के जा चुके हैं। तो अभी नॉर्मली वैसे ईद उल फितर वाला दिन जो है थोड़ा बोरिंग गुजरता है, ज़्यादा दिन कि आपको कहीं आना या कहीं जाना ना हो। सो अब ये है कि हमने जाना है, हमने निकलना है, तो हमने होना है तैयार। और तैयारी से पहले हमने एक बड़ा ज़रूरी काम करना है, और वो ज़रूरी काम है जो मेरी बेटी साहिबा हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो बड़े मज़े से फसकड़ा मार के सो रही हैं। अब उनको उठाना है, उनको जगाना है, उनको नाश्ता कराना है और तैयार कराना है, उसके बाद निकलना है। ये देखें हमारी बेटी साहिबा बड़े आराम से बड़े सुकून से सो रही हैं। उरेन उरेन अच्छा सो रही हैं माशाल्लाह। उरेन उरेन ये नाम है, उठ जाए बेटा, ईद मुबारक बेटा, उठ जाए, शाबाश। तो भाई अब उठ गई हैं, इनकी टिप्पणी जो है ना वो आगे भी जो हुई है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा इनके बाबा क्या कर रहे हैं। तो अब हम इनको लेके जाएंगे इनकी मम्मा के पास। चलिए बेटी नाश्ता करें जी। तो भाई लोग, मैं और मेरे बी बच्चे तैयार हो गए हैं, बस वालों को थोड़ी सी कॉम्बिंग करनी है, आई एम ऑल सेट टू गो। तो भाई अब हम जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूपी मोड। तो साफ सुथरे रोड्स हमें याद दिला रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। हम वहाँ जा रहे हैं अपनी सिस्टर के, तो वहाँ पे मिलवाते हैं आपको ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। पहुँच गए हैं बिलाल के घर और हमने हॉर्न भी दे दिया है, अब हम जाएंगे अंदर जी। तो भाई लोग, ये हैं हमारे बिलाल भाई, और इनके घर मुझे आना था। ये हैं हमारे कदर दिया हमारे एहसन भाई। तो आपने इन दोनों कैरेक्टर्स को अमूमन अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ हम आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूपी मोड पे, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ कराची। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ कराची, अच्छा अच्छा ओके ओके। अभी हमने जो है ना यूपी मोड़ के पुल से लैंड किया अपना, हमारा जहाज नीचे आया था, तो देखा तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहे हैं, जहाज ही जहाज पहले करते हैं, बहुत फ्लाइट उतरती है। सही बात भाई, इस बात हो रही है मोबाइल की कंपेटिबिलिटी की। तो ये हमारे साथ एक और होते हैं फैसल हफीज़ खान, तो ये है उनके वाजे साहब। अब ये कह रहे हैं कि उनका मोबाइल इनके मोबाइल के आगे कुछ नहीं बेचता, ये इनका पानी कम चाय, पानी कम चाहिए। कौन सा मोबाइल है और फैसला मामू कौन सा मोबाइल है? कौन सा है वो भी इन्फिनिक्स चाइना का है। अच्छा अच्छा, मेरा इन्फिनिक्स चाइना वाला नहीं है, अच्छा वाला है। जब वो ये व्लॉग देखेंगे तो लाजमी जो है वो फूल चढ़ेंगे। तो यहाँ हम जा रहे हैं अपनी बाजी को उनके घर ड्रॉप करने, क्योंकि वो भी यहाँ आई हुई थी। हम जी। तो नाज़रीन और हाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं अपनी बाजी के घर पे, और बाजी को दरअसल में ड्रॉप करने आया था, लेकिन जैसी बाजी ने अपनी हाथों की बनी हुई खीर का जिक्र किया तो बस पिघल गए हम। अब यहाँ पे हम कुर्ते खीर चखेंगे, गपशप लगाएंगे और फिर दोबारा से चल पड़ेंगे। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बफरदोन में। तो यहाँ पे मेरी वो सिस्टर का भी घर है और मेरी बड़ी सिस्टर का भी घर है। ईद मारा बेटा, ईद मारा, ईद मारा। अब सीन ये है कि यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और फिर हम निकलेंगे अपने ससुराल की तरफ जी। तो नाज़रीन, ये है वो मज़ेदार ज़बरदस्त स्पेशल क्रीमी क्रीम खीर जो मेरे बाजी के हाथ की है।
और मैं बहुत ज़्यादा शौक से मतलब ये जो ना ये जो क्रीमी क्रीम है ना उसके साथ लवाजमा ज़बरदस्त बढ़िया भाजी जियो। तो भाई मज़ेदार लश पश किस्म की खीर खाने के बाद अब हम जा रहे हैं दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूपी मोड। तो वहाँ जाने के बाद जो है हम अपनी बेगम को बच्चों को रिसीव करेंगे और फिर जाएंगे अपने घर। और मैंने सुना है कि वहाँ सासू माँ ने कुछ ज़बरदस्ती मज़ेदार थी कोई स्पेशल थी कोई चीज़ बनाई गई। तो हम लोग यहाँ पे अपने ससुराल आ गए और देखते हैं कि क्या सरप्राइज है हमारे लिए। आ रहा बेटा आ रहा हूँ ऊपर जाए आ रहे हो चले। मेरी मदर इन लॉ के हाथ की बेहतरीन कुकिंग रेसिपीज में से एक रेसिपी है कचौरियाँ। वाह 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 मज़ेदार लजीज इमली की चटनी हाँ वो दम वो गरम गरम कचौरियाँ उसके अंदर क्या क्या भरा होता है भाई कीमा। तो भाई आफ्टर लॉन्ग एंड टायरिंग रूटीन फाइनली हम आज अभी अपने घर पहुंच गए हैं और काफ़ी थकन हो गई और पेट अलहमदिल्ला ठीक ठाक भरा था। खाना पीना आज हुआ ना ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अच्छा वैसे ईद उल फितर की सही एसेंस सही मज़ा मेरे हिसाब से तब आता है जब आप अपने फ्रेंड्स अपने नेबर्स अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं मिलते मिलाते हैं गपशप लगाते हैं एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। तो इसमें बड़ा मज़ेदार सीन ये होता है कि हम जो है ऐसे भी रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है जिनसे काफ़ी टाइम हो जाता है इवेंचुअली जिनसे मुलाकात होती है तो ये बड़ी अच्छी गैदरिंग बड़ा अच्छा सिनेरियो रहता है। अच्छा वो हजरात जो नौकरियों के चक्कर में अपने मुल्क से बाहर हैं यानी पाकिस्तान से बाहर हैं दूसरे ममालिक में जाके जॉब कर रहे हैं खासकर इंग्लिश कंट्रीज़ में तो वहाँ पे ईद बकरीद और इस तरह के जो त्यौहार हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा कल्चर इतना कॉन्सेप्ट है नहीं ठीक है। वहाँ पे वहाँ की जो ईद होती है वो यूँ समझें कि हमें तो खैर बाकायदा प्रॉपर्टी यहाँ छुट्टियाँ दी जाती हैं कि आप घूमें फिरें फैमिली के साथ इंजॉय करें एंड ऑल दैट लेकिन वहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको उसी दिन जिस दिन ईद पड़ रही है या जिस दिन आपका कोई ख़ास कोई कल्चरल डे है या कोई रिलीजियस डे है तो आपको सेम डे छुट्टी दी जाती है। और उसमें भी ये होता है कि यार जो जिनकी छुट्टी होती है वो ये कहते हैं यार कि हम छुट्टी ले तो लें लेकिन हम छुट्टी लेके जाएंगे कहाँ हमारे ना रिलेटिव हैं वहाँ पे ना इतना बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे और जो जो फ्रेंड्स होते भी हैं वैसे वहाँ पे वो अपने अपने गिर्द व नवाह पे अपनी अपनी जॉब में मसरूफ़ होते हैं। सो देखा जाए तो ईद उल फितर की सही तरह एसेंस अगेन वो अपने मुल्क पाकिस्तान में ही है। अच्छा रमज़ान के मंथ का जो खुलासा है ना वो ये है कि जो आपके अंदर तकवा आए परहेजगारी आए और सब्र आपके अंदर पैदा हो जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मोमिन के लिए। और अगर देखा जाए माशरती तौर पे तो ये तीन चीज़ें अगर किसी कौम या किसी फ़र्द के अंदर भी हों तो उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं इर्द गिर्द का माहौल है जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बेहतरीन होता है। ईद पे जो बिछड़े हैं उनको अपना लें जो आपसे तोड़े उनसे आप जोड़ें जो आपसे कता ताल्लुकी करें उससे आप सुलहरहमी करें। मैं अपने व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने अजीज़ व अकारिब के साथ साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।